अखिल भारतीय बलाई महासभा के तत्वावधान में प्रदेश में नवनिर्मित कार्य प्रणाली के तहत आज पीतमपुर में भी कार्यक्रम करते हुए मनोज परमार ने जिला धार पीतमपुर के मंडल कार्यकारिणी गठित की और सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रपति अध्यक्ष मनोज परमार का ग्रामीणों द्वारा साफा और सम्मान स्वरूप शाल पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के समापन पर अखिल भारतीय बलाई महासंघ की तहसील स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी से संविधान की शपथ दिलवाई गई। पीतमपुर से संजय सोनगरा, रिपोर्ट। संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। सभी हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी पधारे हैं, सरवीण चौहान जी, प्रेमलता पवार जी, आज सौभाग्य है प्राप्त हुआ है कि राष्ट्राध्यक्ष जी 2020 नए वर्ष में आए हैं। आप सब लोगों को नववर्ष की हृदय से शुभकामनाएं और अपना सभी समय कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।